हेलो। हाँ जी खालिद, कैसे हो? बस ठीक सर, आप कैसे? हाँ, बढ़िया बढ़िया। कहीं बिजी हो गए थे क्या? मैं बिजी था थोड़ा। अच्छा, मैम का कॉल आया था अभी? नहीं, मैम का कॉल अभी नहीं आया। अच्छा, नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। तो आज की मीटिंग आपने देखी बढ़िया से? ओके हाँ, देखिए। ग्रेट। तो उसमें आपको सबसे बढ़िया क्या लगा आज के मीटिंग में? अच्छा लगा अभी जिसके बारे में जो बोला। ओके बढ़िया। देखो उसमें सर ने आपको ना लेवल्स के बारे में बताए होंगे, है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, है ना। हाँ, जी तो लेवल आपको सबसे अच्छा लेवल कौन सा लगा? तो जो भी इंक्रीज होता है सुपरवाइजर के ऊपर सब तो अच्छे। तो सारा अच्छा लगा, मतलब क्योंकि जैसे जैसे लेवल्स बढ़ती है वैसे वैसे इनकम बढ़ती है, राइट? इनकम भी बढ़ती है बिल्कुल। हाँ जी ग्रेट। अब देखो उसमें आपने एक चीज समझी होगी, सीसी, 2 CC, समझ आया वो? वही मैं बोल रहा था कि सीसी इसको कैसे वो इम्प्रूव करना है, अच्छा, वो नहीं समझ आया सीसी के बारे में, है ना। वो तो मैं पहले जो सिटाप उसने बोले वो समझा मैं क्वेश्चन तक। तो ठीक है, मतलब फिर सीसी जो में थोड़ा सीसी, सा। हाँ थोड़ा वो रहा मेरा डाउट। चलो कोई नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सीसी का मतलब होता है ना कॉमन करेंसी, ठीक है। करेंसी मतलब समझ रहे हो, पैसा। जैसे हर एक देश के ना अलग अलग करेंसी होते हैं। इंडिया में चलता है रुपया, है ना, कहीं डॉलर, कहीं दिनार, हर एक देश में अलग अलग करेंसीज है ना। तो हमारी जो कंपनी है, देखो 170 देश में है ना, तो हर देश का करेंसी अलग अलग भी है। इसलिए कंपनी ने क्या किया, एक कॉमन करेंसी बना दिया जो सारे देशों के लिए सेम है। चलिए हाँ, आप इसको ऐसे समझो, सीसी का मतलब होता है ना प्रोडक्ट पॉइंट। क्या होता है? प्रोडक्ट पॉइंट। प्रोडक्ट के ऊपर जो पॉइंट कंपनी दे के रखा उसको हम सीसी बोलते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे कंपनी का एक प्रोडक्ट है शैम्पू। क्या है? शैम्पू, बिल्कुल, ठीक है। तो शैम्पू पे मान लो कंपनी ने दिया है 100 पॉइंट। कितने? 100 100 पॉइंट। अगर हम 10 शैम्पू का बिजनेस करेंगे तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 1000। हजार तो 1000 पॉइंट बराबर 1 CC, बिल्कुल। ठीक है। तो अगर मान लो 2000 पॉइंट करना है तो कितना शैम्पू का बिजनेस करना होगा? हमने 200, हाँ 20, ओनली 20। बीस 20 बीस अगर हम 20 का कर लेंगे तो आपके पास 2000 पॉइंट आ जाएगा, राइट? 2000 हो गया, 2 CC हो गया 2 CC हो गया। समझ आया? सीसी का बिल्कुल। मतलब पॉइंट, प्रोडक्ट पॉइंट जो कंपनी ने हर एक प्रोडक्ट पे दिया। जैसे अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग पॉइंट होता है। तो मैंने अभी आपको बिल्कुल एक प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेके समझाया, क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ जी। अब जैसे ही 2 CC कंप्लीट होती है ना, तो कंपनी आपका प्रमोशन कर देती है, आपको कंपनी एक लेवल असिस्टेंट देती है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सुपरवाइजर सुपरवाइजर का। हाँ, सॉरी असिस्टेंट सुपरवाइजर, है ना, आप कंपनी के पहले लेवल पे पहुंच जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहां सुपरवाइजर से आप अपनी बिल्कुल इनकम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल। अब 2 CC के बाद पैसा कैसे आएगा वो समझ आया? हमने फिर आगे जैसे वो लिंक करनी है, कस्टमर्स को जनरेट करना है। ठीक है, ओके। मतलब सर ने आपको 5 स्टेप बताए थे ना, उसी स्टेप में हमें काम करना है। करना है बिल्कुल। हाँ, उसी स्टेप में काम करना है। मान लो इसी स्टेप में काम करते हो, मान लो आपने 1 महीने में 300 लोगों को आपने काम समझाया, जैसे अभी आप समझ रहे हो लिंक के थ्रू, ठीक है। अब बिल्कुल एक चीज बताओ, अगर मान लो हम 300 को काम समझाएंगे, मान लो उसमें से 10 लोगों ने बोला कि सर मुझे भी आपके साथ काम करना है, अगर 10 लोग काम करने के लिए रेडी होंगे तो आपको एक आदमी से कितने रुपए मिलेंगे? 7000, बिल्कुल ठीक है। तो अगर तो 10 लोग अगर आपके साथ रिक्रूट होते हैं, एसोसिएट होते हैं, तो कितने मिलेंगे आपको? 70,000 70,000। कम होते हैं 70,000? नहीं वो तो बहुत है, बहुत होते हैं। अगर उसका आधा भी कर दे तो 35,000 समझे। अगर हम उसका भी आधा कर दे तो 17,500 नहीं है ना। फिर भी आज के टाइम पे सोचो 15-20 हज़ार की जॉब नहीं मिलती है ना। लेकिन मिलती आप यहाँ पे दिन के 4-5 घंटे बिल्कुल भी अगर आप देते हो अपने स्टडी के साथ, तो आप इजिली 15 से 20 हज़ार रुपये कमा लोगे। कमाते। अच्छा एक चीज सोचो, अगर 15 से 20 हज़ार रुपये आपको अगले महीने से आने लग जाए तो आप उस पैसे का क्या करोगे? खाली क्या कर, सबसे पहले क्या करोगे? मान लो आप इस महीने काम शुरू किया हमारे साथ, आपको अगले महीने आया 20 हज़ार का चेक, आप क्या करोगे? सबसे पहले जो पैसा आएगा उसका क्या करोगे? घर में दोगे या अपने कुछ चीजें खरीदोगे या मम्मी पापा के लिए कुछ खरीदोगे, क्या करोगे? पहले तो घर में देंगे कि पहली कमाई है। ओके, घर में दोगे। अच्छा मम्मी के लिए क्या करोगे? मम्मी को क्या गिफ्ट करोगे? देख कुछ सरप्राइज अच्छा सा। अच्छा सरप्राइज, बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है। कैसा लगेगा अगर मम्मी को आप अगर आप कुछ गिफ्ट करोगे तो मम्मी आपके लिए क्या सोचेगी? बहुत
वो तो अच्छा ही सोचेंगे, जब बहुत खुश उसको भी होगी अच्छा ना। लगेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि मम्मी ये सोचेगी कि आज तक तो पेरेंट्स ने हमारे लिए किया, लेकिन अब आप करोगे उल्टा अपने उनके पेरेंट्स के लिए, उल्टा हो जाएगा, तो वो अलग लेवल की खुशी मिलेगी आपको, राइट। बिल्कुल। चलो, तो ये चीज आपके यहाँ पे होगी। मैं अभी ज्यादा अमाउंट की बात नहीं कर रहा, 15-20 हज़ार भी अगर आपको महीने का आने लग जाएंगे ना, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे बिल्कुल। है ना। जो अभी आप मम्मी पापा से पैसे लेते हो अपने सेल्फ खर्चे के लिए, मोबाइल रिचार्ज हो गया, कहीं घूमने जाना हो इसके लिए, है सेल्फ ना, डिपेंडेंट सबको भी घर बनते से हैं लेते हो, उसके बाद नहीं लेना पड़ेगा, है ना। और बिल्कुल। उल्टा आप घर में पैसे दोगे, लोगे नहीं। क्या चाहते हो कि आप हाँ ऐसा जल्दी से करो? बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस काम को जब आप शुरू करोगे, 2 CC कंप्लीट करोगे ना, तो ऐसी लाइफ हो जाती है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, ठीक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। यहां तक समझ आ गया पैसा कैसे आएगा? हाँ जी हाँ जी। बढ़िया। अभी कोई डाउट है अभी और आपके माइंड में? नहीं अभी फिलहाल नहीं है कोई। यही कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। अब देखो आज का तो सब सेशन मैंने, आपका, हाँ क्या बोल रहे हो? यही सब सीसी का मैंने बोल दिया तो हुआ क्लियर। हाँ, वो क्लियर हो गया ना, चलो ग्रेट। अब देखो आज का सेशन खत्म हो गया, आज आपको पता लग गया पैसा कैसे आता है। अब कल का लास्ट आपका सेशन बचता है, और कल ना आपकी 2 क्लास होगी खाली, ठीक है। एक होगा 2:30 बजे, ओके ठीक है, जिसमें ढाई आपको थोड़ा बहुत और सीसी के बारे में थोड़ा और क्लियर किया जाएगा, और एक लास्ट क्लास होगी सेम 6 बजे, ठीक है, जिसमें बिल्कुल आपको पता लगेगा कि आप इस काम को शुरू कैसे कर सकते हो, कितने तरीके होते हैं इस काम को शुरू करने का। तो कल जो आपका क्लास है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर मान लो आज आपने कल का सेशन देखा, आज भी देखा, अगर आपने कल नहीं देखा तो ये दोनों सेशन देखना बेकार बेकार है बिल्कुल। है ना, कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि मेन ही क्लास आपने छोड़ दिया। तो कल का क्लास गलती से भी मिस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सर। ओके। और ओके अभी मैं आपको ना 2 वीडियो भेजूंगा, एक वीडियो में ओके भेजूंगा जिसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा कि एग्जैक्टली पैसा कैसे आता है। उसमें तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा समझने में आज के सेशन में, लेकिन अभी जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा ना, आपको उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार आप वो वीडियो देख लेना, और एक और वीडियो भेजूंगा हर्ष सर का, हमारे सीनियर है वो हर्ष सर, जो कल का सेशन ओके लेंगे जी इवनिंग में 6 बजे, ठीक है। तो सर। उनकी मैं एक वीडियो भेजूंगा जिसमें आपको पता लगेगा कि उनकी जर्नी के बारे में, क्योंकि वो पहले ना स्टूडेंट थे, सीए कर रहे थे। सीए जानते हो क्या होता है? बिल्कुल सर। वो चार्टेड अकाउंटेंट का ना पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने सीए ड्रॉप आउट करके उन्होंने इस काम को क्यों शुरू किया, आज वो क्या है, अब उन्होंने सब कुछ बताया आधे घंटे में। तो इससे क्या होगा, आप उनके बारे में जान जाओगे, क्योंकि कल वही पर्सन सेशन लेने वाले, क्योंकि आपको वो तो पता होना चाहिए ना कि कल जो पर्सन सेशन लेने वाले वो कौन है, बिल्कुल राइट। सर बिल्कुल। तो उनकी आपको वीडियो देखनी है, ठीक है। तो अभी ओके मैं आपको 2 वीडियो देखूंगा, वो आपको 2 वीडियो कल दोपहर बिल्कुल 12 बजे से पहले पहले कंप्लीट करना है। अगर अच्छा रहेगा, अगर आज कर लोगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो कल मैक्सिमम 12 बजे से पहले कंप्लीट करनी है आपको, ठीक है। ओके बढ़िया, और कोई डाउट तो नहीं है? नो बढ़िया। वैसे आप कहाँ से हो खालिद, कौन से स्टेट से हो आप? सर। मैं जम्मू कश्मीर से। मेरे वाह, जम्मू कश्मीर से हो, क्या बात है। फादर क्या करते हैं वैसे आपके? उसने घर में हम किसान हैं, जमींदारी वगैरह। अच्छा, किसान है। तो अभी घर वगैरह कौन चलाते हैं आप, मतलब बड़े हैं अभी और कोई सर भैया वगैरह? मैं ही बड़ा हूँ तो अच्छा अभी फादर ही चला रहे हैं। अच्छा, आप ही बड़े हो सबसे। बिल्कुल ओके ओके, तब तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, तब तो आपको अभी बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा लाइफ में, है। तो ही तो करना चलो पड़ता है। कोई बात नहीं ब्रदर, हम आपके सपोर्ट में पूरी हेल्प करेंगे हम आपकी यहाँ पे ग्रो करने में, ठीक है। ओके सर थैंक चलो, बाकी ऑल दी बेस्ट, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यू। ओके सर। चलो, ऑल दी बेस्ट।